सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं डर्वेंट प्रो कलर का, जो कि 72 शेड्स में भी अवेलेबल होते हैं। सो गाइस, आज मैं 72 शेड्स में लाया हूँ, जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी है। यहाँ डिफरेंट कलर्स की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ ब्रिटेन का लोगो मिल जाएगा, क्योंकि ये मेड इन ब्रिटेन है। सो गाइस, ये टिन का बॉक्स अवेलेबल कराते हैं, जो कि बहुत अच्छी ड्राइंग इस पे बनी हुई है, बाहर देख सकते हैं जैसे आप। और गाइस, ये लाइट ब्लू डार्क ब्लू का ही कलर का ही कुछ। सो गाइस, हम इसे इसकी बैक साइड देखते हैं। सो गाइस, यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ लिख के दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा आप। सो गाइस, इसमें हमें अवेलेबल होती हैं 36 शेड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बोथ ट्रेज में आपको 36 शेड्स अवेलेबल होंगी। दोनों को मिला के 72 शेड्स बनेगी। और यहाँ येलो, पिंक, पर्पल, ब्लू सारी शेड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज, अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसकी दिखा देता हूँ गाइज आपको। सारी डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है ये गाइज। मैं अब आपको ये ऊपर से भी दिखा देता हूँ एक बार। यस गाइज, सो गाइज, जैसे कि आपने इसका लेड भी देख लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब हम अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं, लेट्स सी। और गाइज, आपको हमेशा अनबॉक्सिंग करते समय ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए, क्योंकि पैकेट उतारते वक्त आपको ब्लेड लगने का खतरा रह सकता है, इसलिए हाथ में ब्लीडिंग आ सकती है, या आपने एल्डर वन से आप हेल्प मांगे। सो लेट्स डू इट्स अनबॉक्सिंग, लेट्स गो गाइज। ओके गाइज, अब हम एक ब्लू कलर की पेंसिल निकाल के देख लेते हैं। सो गाइज, ये ब्लू कलर की एक शेड है, जो कि डर्वेंट की ही है। और गाइज, इन पे ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की लेयरिंग की गई है बाहर से, और नीचे ब्लू कलर की शेड की बैजिंग दिख रही है। और गाइज, ये यहाँ बैजिंग लगी हुई है, मेड इन ब्रिटेन डर्वेंट प्रो कलर। और गाइज, जैसे कि मैं देखूँ, इस पेंसिल कलर का डिज़ाइन बहुत अच्छा है बाहर से। और गाइज, इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे से ग्रे स्ट्रिप है, और उसके नीचे शेड का कलर दिया गया है। यस गाइज, और गाइज, ये राउंड शेप्ड है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ पीछे से। और गाइज, आगे से इसका लेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, अभी इसे डालते हैं और मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि सारी पेंसिल्स कैसे हैं। अभी हम नीचे वाले ट्रे देखेंगे, जहाँ पे ये हैंडल्स लगे हुए हैं। अभी पैकेट भी उतारेंगे हम। सो गाइज, अब हम निकालते हैं सेकेंड ट्रे। ओके गाइज, सो गाइज, इन दोनों ट्रेज को मिला के बनते हैं गाइज टोटल 72 शेड्स।
नीचे वाली में है ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ग्रे, और ऊपर वाली में है येलो, रेड और पिंक और ब्लू की शेड्स। तो हम इन्हें साइड में रखते हैं गाइज, और नीचे वाला पूरा ट्रे दिखाता हूँ। यस गाइज, यही है ये ट्रे, और हम इस ट्रे को भी बाहर ला सकते हैं उठा के। सो अभी मैं लाइट ब्लू कलर बाहर निकाल है, लाइट ब्लू 37 मेड इन ब्रिटेन डरवेंट प्रो कलर। सो गाइज, डिज़ाइन तो इसका काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है इसकी बॉडी का, बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज मुझे ये पेंसिल कलर। सो गाइज, अब हम पेंसिल कलर की टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये कैसे ब्लेंड होते हैं, स्मज होते हैं, कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, कैसी इनकी ग्रिप है, और परसेंटेज देंगे। सो गाइज, टेस्टिंग करते हैं वर्क ऑन एल्कोहल मार्कर्स। सो गाइज, हम देखेंगे कि ये एल्कोहल मार्कर्स पे कैसे वर्क करते हैं। तो इनकी प्रो मार्कर्स पे टेस्टिंग कर लेंगे हम। तो अभी चला के देखते भाई प्रो मार्कर्स पे इनको। सिंपली हम एक ब्लू शेड लेंगे और इस पर चला के देखेंगे। वाओ गाइज, बहुत ज़्यादा स्मूथ है मेरे हिसाब से, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा इन पेंसिल कलर में। स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से चल रहे हैं ये। ओके गाइज, ये यहाँ तो बहुत अच्छे टेक्सचर आ रहे हैं, सर अभी थोड़ा रफ रफ सी फीलिंग नहीं आती है इसमें। गाइज, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी डरवेंट प्रो कलर की। पसंद आई तो चैनल पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, वीडियो को सब्सक्राइब करो, उस लाल बटन को ग्रे करो यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।